6:37 की टाइमिंग है और यहाँ पे बादल आज सुबह 6 बजे से ऐसे बने हुए और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा है। आज तो फुल बारिश का इम्कान लाजमी होगा, क्योंकि आज बारिश तो आनी है। तो कल फ्राइडे था ना, कल या अच्छा ही मैं आपको बता दूँ, ये ब्लॉग है ना सैटरडे का होगा, ठीक है ना। तो सैटरडे की रूटीन है जो कि हम आपके साथ शेयर, यहाँ पर देखें मौसम कितना ज़बरदस्त सा बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है। तो आज तो बादल ही बादल हैं और कहीं धूप के आसार ही नहीं है। आज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सुबह से मौसम। तो जी, इसी तरह से ब्लॉग पर जुड़े रहेगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, से होगा कि आप हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जिस दौरानी के कपड़े हैं ना, ये तीसरे नंबर पे जो दौरानी है उनकी इतनी सारी बेड शीटें वगैरह हुई हुई थी कि बादल की वजह से कपड़े धोने हो ही नहीं रहे थे। तो ये उन्होंने ना आज सुबह फजर में ही लगाई थी, तो ये अभी सूख ही रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो कपड़े कुछ खुश्क हुए हैं और कुछ नहीं जी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ जी, जो हमारी छोटी छोटी सी चिड़ियाँ हैं ना, इनकी जो हिफाजत कर रही है ना अभी फातिमा, माशाल्लाह बहुत कर रही है। इनकी ट्रे वगैरह धोना, पानी देना माशाल्लाह, और जिसका हाथ लगता है ना वही ये माशाल्लाह इनको दाना पानी देता है और बहुत प्यारी सी लगती हैं। बारिश में थोड़ा मसला होता है, तो इन पे हमें ना कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं कि बारिश से महफूज रहें। तो आजकल मौसम ऐसे ही बना हुआ है ना, तो इनकी भी केयर करनी ज़रूरी होती है, जिस तरह हमें अपनी करनी होती है। जाहिर सी बात है, जब बारिश होती है तो हम अपने भी तो पंखे अंदर रखते हैं, हर चीज़ की हिफाज़त करते हैं, तो इनकी तो करना लाजमी है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी, और इनकी वॉइस मैंने आपको सुनाई हुई है कितनी प्यारी सी माशाल्लाह लगती है ना, कि बहुत ज़बरदस्त लगती है, आपको आ रही होगी। और यहाँ पर जी ये कपड़े जो धुले हैं, ये तीसरे नंबर पर दोहरानी के, ठीक है ना। तो आज जो धोबी घाट लगा हुआ है ना, तो ये उनका लगा हुआ है, और कल किसका लगेगा तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो रेगुलर किसी ना किसी का लगा होता है, मेरे खैर कपड़े इतने नहीं होते। जी हाँ, मेरे भी धोबी घाट होता है, लेकिन मेरे तब होता है जब ज़्यादा बेड शीट वगैरह होती है, तो मेरे तो बहुत कम होती हैं। तो बहरहाल जो भी होता है आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी हाँ, अभी अभी ये गए हैं और इन्हें ये फ्राइडे को कपड़े पहने थे ना, सिर्फ रात रात पहने, ये मगरिब के बाद जो गए ना पहन कर, तो ये सुबह चेंज करके गए काम वाले, और ये वाले जो उतार के गए ना, तो इन्हें मैं वॉश करूँगी सर्फ में, क्योंकि इतने मेले नहीं है, बिल्कुल लाइट से बस पसीना में होते हैं। उसके बाद तो जाहिर सी बात है, फिर गर्मी में ना फिर उसके बाद रखने को दिल नहीं करता। इनको मैं सर्फ में अभी धो के रख दूँगी, ताकि ये दोबारा टांग दूँगी, शाम में फिर पहन लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर है ना सब फैला हुआ, इस वक्त होगी सफ़ाई, क्योंकि इनके जाने के बाद ही, और ये बात की जो फीडर है ना, ये नहीं छूटने वाली, ऐसा लगता है ये तो, ये बात जब तक बड़े होंगे ना ये पीते ही रहेंगे। जी हाँ, दस्तरखान भी आप देख रहे हैं, अभी ये गए, और यहाँ पे सबसे पहले ये बात की फीडर रख के आती हूँ, कितना गंदा हो रहा है ना, ये सिंह में रख के आऊँगी और यहीं आकर पीते हैं मेरे रूम में ही ना फीडर। नाश्ता नहीं किया है बाद ने, कह रहे मैं नहीं कर रहा, मैं फीडर पीऊँगा, और फीडर पी के जी यहाँ पर शाम हो गई थी और मैं फ़र्श को ठंडा कर रही थी, तो फ़र्श तो गर्म हुआ ही नहीं, तो ठंडा कैसा, लेकिन थोड़ा सा है ना अच्छा लगता है ना, धुला धुला सा प्यारा सा लगता है। तो आज ना बादल ही हुए हुए थे, बस ऐसे ही थोड़ी सी रोशनी हो रही थी हल्की हल्की सी, और धूप नहीं थी तेज़ आज है ना सुबह से। ये सैटरडे का ब्लॉग है जी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जी सैटरडे का ब्लॉग है। तो मेरा ब्लॉग है ना एक दिन थोड़ा सा लेट जा रहा है, ये भी मैं आपको हर ब्लॉग में बात बता देती हूँ। तो यहाँ पर जी ठंडा फर्श कर लेती हूँ, और फातिमा मेरी कभी हेल्प करा देती हैं, क्योंकि पानी का काम फातिमा और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बैठे होते हैं ना, एक बात बताऊँ, मुझे छिड़काव नहीं करने देते, और मैं जब तक छिड़काव नहीं कर लूँ, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, जब तक ये सारा मैं धो ना लूँ ना, ये नहीं करने के देते। कहते नहीं भपका निकलेगा, ये होगा वो होगा, मैंने कहा ये तो चले गए हैं, मैंने कहा चलो सफाई तो हो जाएगी, तब तक बैठे होते बड़ा मुश्किल हो जाता। आपको मैं दिखाऊँगी कभी ये बैठे होंगे, मैं कभी छिड़काव नहीं कर रही होंगी, अगर कर रही होंगी ना तो मेरी तो शामत है, इतनी बातें सुनाते हैं बस यही कहते हैं आप मुझे बैठने नहीं दे रही हो, ये वो बस, और तो कुछ नहीं। फिर मैं कहती हूँ अरे ये मैं आपके लिए फ़ायदा कर रही हूँ, ठंडा हो जाएगा, मैं इतना पानी इस सर फेंकूँगी कि ये इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना कि आपको नहीं लगेगी गर्मी। तो जी हाँ, इसके वक्त मैंने छिड़काव किया और यहाँ पे जा रही हूँ अंदर, क्योंकि यहाँ पर दोपहर को है ना खाना खाने के बाद, जोहर के बाद, नमाज के बाद ना मैं सो जाती हूँ, यहाँ पर बच्चे ना आ जाते हैं, मरियम भी यहीं लेटी रहती है मेरे पास, ये बात भी। और जी इस वक्त है ना यहाँ पर मरियम से यही कह रही हूँ, मरियम आज आप सफ़ाई करोगी, तो रूम की सफ़ाई भी करनी है अभी। और जी मैं चाय ना रख के चूल्हे पर बिल्कुल भूल गई कि मैंने चाय रखी, और ये सारी मेरी चाय ना बाहर गिर गई थी। तो चले कोई बात नहीं, ये जी बर्फ़ का कटोरा जो कि मैं फ्रिज में रख रही हूँ, किसी ना किसी के अभी मुहर्रम चल रहे हैं, काम आ ही जाता है, कभी कोई शरबत बना लेता है कभी कोई। तो जी हाँ, यहाँ पहली तारीख से ही लंगर शुरू हो जाता है मेरी बड़ी नंद के। तो मौसम बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, सैटरडे का दिन है और यहाँ पर घटा जो आ रही है ना, ये 6:15 की टाइमिंग है, और आप देख सकते हैं ये देखिए किस कदर घटा गा रही है, ये देखें
तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आज का मौसम है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, और बारिश आ जाए तो इन्जॉय हो जाएगा। हालाँकि बारिश आएगी तो मैं फ़ौरन अंदर चली जाऊँगी, क्योंकि मैं बारिश में नहीं भीगती, क्योंकि बारिश में भीगने से ना थोड़ा से ही मुझे चिपचिपाहट सी, एलर्जी सी हो जाती है। तो बहरहाल इन्जॉय ज़रूर करती हूँ और इसी तरह से जुड़े रहेगा। आज का व्लॉग भी इंशाल्लाह सैटरडे का बड़ा ज़बरदस्त होगा और बारिश का पूरा पूरा इम्कान है। मैं आपको बैक कैमरे से दोबारा दिखा देती हूँ। तो जी मौसम को इंजॉय करने ना जगह जगह खड़ा होना पड़ता है और वीडियो को शूट करना पड़ता है। यहाँ पर जी मैं सामने वाले रूम में और यहाँ पर अपने कैमरे यारे बहुत ही खूबसूरत मौसम को इंजॉय कर रही हूँ और वीडियो भी शूट कर रही थी। बहुत प्यारा सा लग रहा और इतनी प्यारी सी कोई ठंडी हवा चली थी ना कि इतना दिल और दिमाग को, इतना प्यारी मौसम और इतनी प्यारी ठंडी हवा, तो दिल दिमाग को तो सुकून मिलना ही ना इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद और इतना प्यारा इस तरह का मौसम होता है ना, सारी बच्चियां बाहर आ जाती हैं। हो सकता है आपको वॉइस में आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि सारी बच्चियां ऊपर होती हैं, मौसम को करती हैं इंजॉय। इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद जो हवा चलती है तो इंजॉय तो करना ही करना है, सारे ऐसी एक तरफ। लेकिन जब अल्लाह ताला की दी हुई जो वो नेमत है ना और रहमत, तो इसकी तो एक बात ही हो रही। हालाँकि बारिश के बाद काफ़ी लोगों को परेशानी हो जाती, लेकिन या अल्लाह इतने अब रहमत बरसा कि कोई परेशान नहीं हो, हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, इतनी हो कि बर्दाश्त कर सके। तो जी इसी तरह से ब्लॉग पे जुड़िएगा, आज का ब्लॉग भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंतज़ार करें बारिश का, आएगी तो आपको एंजॉय कराएंगे, ठीक। तो जी बारिश का इंतज़ार करते करते तो शाम हो चुकी, लेकिन बारिश का कुछ अता पता नहीं है, बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद जी रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि खाने में क्या बनाया जी, खाने में बनाया जाए। फ्रिज में अंडे भी रखे थे और सब हर चीज़ रखी थी, तो समझ में ये आया कि अंडे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर टमाटर प्याज अदरक लहसुन को बारीक कट किया, तो हमारे बुजे ना इसी तरीके से बनाते थे और बड़े मज़ेदार कोई अंडे फ्राई करते थे ना, यकीन जानिए हम 6-6 अंडे ना ऐसी खा जाते थे कि मज़े से खाते थे। मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, तब मैं ये बनाती हूँ ना, अब्बू अपने हाथों से बनाते थे, कहते थे तमाम ना वेजिटेबल हम कट करके रखते थे और अब्बू अपने हाथ से फ्राई करते थे। मुझे अपने अब्बू की, बहरहाल मैं अगर अपने अब्बू की तारीफ़ करने बैठी ना तो मुझे रात हो जाएगी, क्योंकि उनकी तारीफ माशाल्लाह मैं क्या करूं, इतने ज़्यादा कोई अच्छे थे बहुत बहुत। क्योंकि हर बेटी अपने माँ बाप की तारीफ़ तो करती है, लेकिन मैं अपने बाप की इतनी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है कि मेरे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म। बहरहाल ये तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये मोहब्बत ऐसी होती है माँ बाप की, कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती है। जी हाँ, मुझे आज भी अब्बू की बहुत याद आती है। तो बहरहाल अभी मैं थोड़ी सी है ना मायूस हो जाती हूँ बातें करते करते अब्बू की ना, मुझे अपनी अम्मी से ज़्यादा प्यार है ना मुझे अपने अब्बू से था। तो बहरहाल ये तो थी हमारी बातें, जो कि अंडा फ्राई करते हुए मुझे थोड़ा सा अब्बू याद आ गए थे, मैंने आपके साथ शेयर की अब्बू की थोड़ी कुछ बातें। इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपके साथ बातें करेंगे कि अब्बू मेरे कितने अच्छे थे, कि जो देख रहे होंगे अगर मेरे जानने वाले कोई हमारी फ्रेंड्स वगैरह तो उन्हें पता होगा, जो हमारे जानने वाले अगर जो हमारे देख रहे होंगे, यानी मेरी खालें अगर मेरी वीडियो देख रही हैं या कोई भी देख रहा होगा, तो उन्हें पता होगा कि कितने अच्छे थे हमारे अब्बू। मेरी खालें देखती हैं, मेरे मामू और काफ़ी लोग देख रहे होंगे जो अपने मेरे, तो आप भी मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, तो आपको मैं हर बात से आगाह करना चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के बारे में हर बात बताना चाहती हूँ। जी हाँ, यहाँ पे अंडे फ्राई हो गए, बातें करते करते मैं कह रही हूँ ना, जब मैंने अपने अब्बू की तारीफ़ शुरू की ना तो वो ख़त्म नहीं होने वाली, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे थे। जी यहाँ पर रात हो गई, यहाँ पर 1:57 हो रहा था जो मैंने ये वीडियो शूट की थी, यकीन जानिए सैटरडे का ही दिन था ये, ठीक है ना, ये पूरा ब्लॉग सैटरडे का है। तो ये सैटरडे को बारिश हो रही थी, सब अंदर जा रहे बाहर जा रहे, कोई नीचे जा रहा वापसी के, या देवर मेरे सब बाहर सोते हैं ना, क्योंकि एसी वगैरह कुछ भी नहीं है कोई ऐसा हमारे, तो सहन में सारे देवर वगैरह जो भी होते हैं वो सोते हैं। तो ये बिजली देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा, तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही थी कोई, और ये मोबाइल देखने में मसरूफ़ थे, शायद आपको अगर मैं वॉइस खोल दूँ तो शायद आवाज़ आ जाए, वरना ये मोबाइल ही देख रहे थे। 1:30 बज गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी ये धब देख के, और लाइट नहीं थी यार, बारिश तो शुरू होती है ना तो लाइट तो सबसे पहले ले लेते हैं, लाइट का तो यहाँ बड़ा ही मसला हो जाता है, बारिश गिरती है और लाइट गई, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा और लाइट नहीं है। और मैंने वीडियो ये 1:57 पे शूट की थी रात, ठीक है ना, सैटरडे को, तो यहाँ पर ना बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन लाइट पहले ले लेते हैं जी। इस वक्त तो मैं अपने रूम में से ही वीडियो शूट कर रही थी और यहाँ ये मोबाइल देखने में मसरूफ़ थे, और मुझे तो लगता है कि मैं हर
ऐसी वीडियो शूट कर लूँ जो कि मेरे फ्रेंड्स को मैं बताऊँ कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं और रात के वक्त ये क्या हो रहा था। ये देखिए बारिश का मौसम था, बिल्कुल बना हुआ था और यहाँ पे ना मैं जाग रही थी क्योंकि मुझे हर चीज़ को सेव करके रखना पड़ता है। जी आज का व्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक जाना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।